नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। हमारे साथ बात करने के लिए चकाई के विधायक सुमित जी हैं। सुमित जी, आरजेडी पहले कह रही थी खरमास के बाद उनकी पार्टी टूट जाएगी, जेडीयू विरोधी पार्टी जो है वो टूट जाएगी, लेकिन वो उल्टा रहा है। जेडीयू जो है खरमास के बाद लगातार मजबूत हो रही है। आज जमा खान शामिल हुए हैं, आप उनके समर्थन में आए हैं। मैंने तो पहले दिन से ही बोला था कि मेरा समर्थन एनडीए को है, नीतीश जी को है। मैं नीतीश जी को अपना समर्थन दे ही दिया था और मैं पहले से भी नीतीश जी के साथ काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरा पुराना अनुभव है उनके साथ काम करने का। उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है और वो बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते हैं, इसलिए हमने अपना सहयोग अपना समर्थन उनको दिया। चिंता तेजस्वी यादव भी जता रहे हैं बेरोजगारों को लेकर, कह रहे हैं कि सरकार जो है जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर कह रहे हैं कि सरकार जो है वो गहरी नींद में सोई हुई है। गर्दनीबाग में वो आंदोलन करते हैं, उन्हें आंदोलन करने से भगाई जा रहा। देखिए, उनकी नींद टूटी है ये अच्छी बात है। सबसे पहले वो खुद जग जाएं, क्योंकि उनको देखता हूँ मैं, उनकी राजनीति को मुझे समझ में नहीं आता है। चार दिन जगते हैं, फिर उसके बाद 14 दिन सोते हैं, इसलिए वो क्या बोले। एक और है कि तेजस्वी यादव ने आज एक आरोप लगाया, जिस तरीके से लेटर जारी हुआ है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उसको लेकर कहा कि जो नीतीश कुमार है, जो गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक तरह से बंधक बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे, वो जो बोल रहे हैं वो दूसरी बात बोल रहे हैं। आप लोग दूसरी बात पे उसको ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे किस चीज़ का बैन लगा? जैसे मैं विधायक हूँ, अब कोई भी इंसान उल जुलूल बात आपके बारे में लिख देता हो, किसी मंत्री के बारे में लिख देता हो, उसके लिए उन्होंने ये अंकुश लगाया है और ये होना भी चाहिए। इस तरह की छूट नहीं होनी चाहिए। कोई किसी को कुछ भी बोल दे, अपशब्द का प्रयोग कर ले, तो अगर वो अपशब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो कार्रवाई निश्चित तौर पे भी उनके ऊपर। निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन देखा गया आज समर्थन में भी आए जमा खान जिस तरीके से शामिल हुए, क्या आप आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं? ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। नहीं, फिर भी कोई बातचीत हुई होगी? नहीं, हमारी नेताओं से। चलिए, थे चकाई के विधायक सुमित सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।